मैं वृंदावन में कह में कि लाला कृपा करे और लाडली जी कृपा बरसावे, यही मारे वो बरसाने वाली है। वृंदावन में एक और सूरदास हुए, एक सूरदास तो प्रसिद्ध हैं, सब सुनते हैं, एक और सूरदास हुए, उनके भी नेत्र नहीं थे, केवल श्री वृंदावन राधा कृष्ण राधा मोहन यही गुणगान करते थे। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, बाबा चलो मैं आ गयो, तुमने बहुत नाम गायो मेरो, चलो मांग लो कहा चाहिए। बाबा बोले, अकेले आप तो बुलाए ना है, हमने कही श्री जी को संग लेके आई हो। बोले हाँ श्री जी संग आई है। तो बाबा जोर जोर से रोने लगे, बोले लाला तू झूठ बोल रहा। ठाकुर जी बोले, क्यों मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? बोले श्री जी यदि आती ना तो वो इतनी कृपालु है कि विचार मुँह देख ही नहीं पाती कि मैं बिना नेत्रन के हूँ। वो आते ही सबसे पहले मुझको नेत्र प्रदान करती। वो इतनी कृपालु है कि इतनी देर भी खड़े खड़े देखेंगे नहीं कि ये देख ना पा रहे। इतने में ही श्री जी प्रकट हुई और श्री जी के प्रकट होते ही बाबा के नेत्र प्रकट हो, प्रकट होते ही सामने युगल स्वरूप का दर्शन कर लिया। तब बाबा बोले, लाला मोए लगे तो भी अभी तेरी श्री जी की महिमा पतो ना है, तू अकेलो आयो और मुँह तो झूठ बोल लो श्री जी आई है, लेकिन हम भक्त हम सब जाने श्री जी तो इतनी करुणामयी है, इतनी कृपालु है, देख उनके प्रकट है ते ज्योति अपने आप प्रकट है गे। लाल जी को तो कृपा करवे के काजे मन बनानो पड़े। तो हमारे वृंदावन में